के मार्ग पर संत महान चले, संसंग यीशु के साथ हम भी चले, संतों के साथ हम भी चले, संतों के साथ, संतों के साथ। आज 1 फरवरी को माता कलिसिया संत हेनरी मोरसे का पर्व मनाती है। इनका जन्म 1595 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थित सुफोक के ब्रोम में एक प्रोटेस्टेंट परिवार में हुआ था। 16 साल की उम्र में वह कानून की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में दाखिल हुए। पढ़ाई समाप्त करने के बाद वह 23 साल की उम्र में अपने आप को प्रभु यीशु के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगा दिए। वह जेसुइट समाज में एक कुशल पुरोहित बनकर लोगों की सेवा दिन रात किया करते थे। उनका स्वभाव बहुत सरल था, वह बहुत मिलनसार थे, इसलिए चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, सबके सब उनसे प्रभावित हो जाते थे। इंग्लैंड का राजा उन्हें देश से निकाल दिया था, लेकिन जब इंग्लैंड में प्लेग महामारी फैल गई और उस बीमारी से बहुतों की जान जाने लगी, तो वह पुनः इंग्लैंड वापस आकर लोगों की सेवा में लग गए। उनका मानना था कि लोगों की सेवा ईश्वर की सेवा है, इसलिए उन्हें लोगों में ईश्वर का झलक दिखाई पड़ता था। जब धर्म के नाम पर इंग्लैंड में विद्रोह चल रहा था, तो उस वक्त संत हेनरी को बंदी बना लिया गया था और 1 फरवरी 1645 ईस्वी में उन्हें फांसी पर चढ़ाकर उन्हें मार दिया गया। 15 दिसंबर 1929 में संत पापा पियूस 11वें ने उन्हें धन्य घोषित किया और 25 अक्टूबर 1970 ईस्वी में संत पापा पॉल 6वें ने उन्हें संत की उपाधि प्रदान की। तो आइए हम भी बीमार भाई बहनों की सेवा करते हुए प्रभु यीशु के सिद्धांतों पर चले एवं प्रभु यीशु को अपने भाई बहनों में तलाशने की कोशिश करें। आमीन।